नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोबाइल पॉइंट फोन मार्ची में। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Realme Narzo 30 Pro, जो कि काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको मैं इसके फ़ीचर्स भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं Flipkart का ये पैकेजिंग है। इसको मैंने कल ही ऑर्डर किया था 12 बजे और लगभग आज 12 बजे मुझे मिल गया। काफ़ी फास्ट डिलीवरी, इतना फास्ट डिलीवरी पहली बार मिला है मुझे। चलिए यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको मैं। देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है। ये 15,999 रुपये मुझे पड़ा, 16,000 रुपीस। आप देख सकते हैं इसका पैकेजिंग। ये रहा मेन बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्रांडिंग है Realme Narzo 30 Pro 5G और लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। और बाकी और आपको दिखा देता हूँ मैं, जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, फोकस करा के। शॉर्ट ब्लैक में है ये और दूसरा कलर में भी आता है। और ये 6GB रैम और 64GB इंटरनल है इसमें, और 30W का इसमें चार्जर मिल जाता है, और जो कि एंड्रॉयड 10 पर रन करता है। और इसमें जो प्रोसेसर लगाया हुआ है वो मीडिया टेक 800U 5G प्रोसेसर है। और इसका डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन है, इसमें 120 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 140 हर्ट टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। और इसमें 30W का डट चार्जर मिल जाता है, और इसके साथ ही हमें मिल जाता है 5000mAh का बैटरी, और इसमें 48MP का कैमरा मिल जाता है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से कट करूँगा मैं। काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है इसका, रियलमी फ़ोन्स का काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग रहता है। ये सील को यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, सील कट गया यहाँ से। चलिए निकालते हैं फ़ोन को। सबसे पहले इसमें क्या क्या मिल जाता है इसको देख लेते हैं। इसमें एक कवर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। इससे पहले मैं पोको M2 Pro चला रहा था, उसका क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं था। ये कवर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हल्का ब्लैक में है, पूरा वाइट नहीं है। चलिए और बाकी के कंटेंट देख लेते हैं इसमें। ये रहा हमारा मेन फ़ोन, इसको अनरैप करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका लुक है। आगे से पंच होल दिया हुआ है यहाँ पे इसमें, और पीछे का लुक आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी बढ़िया मैट फिनिश में है, ज़्यादा चमकीला नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या कंटेंट मिल जाते हैं। यह रहा इसका टाइप सी केबल, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, और इसमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, जिससे आप सिम को ओपन करेंगे फिर डालेंगे। और यह रहा इसका चार्जर, जो कि 30W का है, जो कि डार्ट चार्जर है, काफ़ी बड़ा चार्जर मिल जाता है। मैं आपको मेरा जो पुराना चार्जर है पोको M2 Pro का, उसके साथ इसका साइज दिखा देता हूँ। ये पोको M2 Pro का चार्जर है, 33W का है, और ये 30W का चार्जर है। आप देख सकते हैं साइज, ये भी काफ़ी बड़ा चार्जर है। चलिए फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कैसा है। Realme का लोगो आ चुका है। इसको कवर में डाल लेता हूँ, कैसा लगता है कवर के साथ में।
सेटअप रेडी हो चुका है, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले लग रहा है, ब्राइटनेस काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इस फ़ोन में, पोको M2 Pro से ज़्यादा लग रहा है मुझे। प्लस इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। चलिए इसको ऑन करता हूँ मैं, जाके डिस्प्ले में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश रेट अभी नॉर्मल पे है, आप इसको 120 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 120 हर्ट्ज पे सेट करता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी स्क्रॉलिंग काफ़ी फास्ट है। चलिए एक बार इसका कैमरा को देख लेते हैं कैसा है। एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, चलिए इसमें मैं कैसा है क्वालिटी इसका। इसको एग्री कर लेते हैं, अलाउ। आप देख सकते हैं कैमरा है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लग रहा है, सेम 48 मेगापिक्सल का ये भी है। अभी नॉर्मल में फ़ोटो क्लिक किया था, 48 में क्लिक कर लेता हूँ मैं। काफ़ी बढ़िया कैमरा है, इसका फ्रंट कैमरा को भी चेक कर लेता हूँ मैं। काफ़ी ब्यूटीफाई कर रहा है कैमरा अभी तो, मैं इसको ब्यूटी को कम कर देता हूँ। चलिए एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं अभी क्लिक किया हूँ मैं, काफ़ी बेहतरीन कैमरा है इसका। तो आप पीछे इसका कैमरा देख सकते हैं, 48+8+ दो मेगापिक्सल का कैमरा है और आगे में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और मैं इस मोबाइल के बारे में और वीडियो डालूंगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिफ्रेश रेट भी काफ़ी तगड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।